हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है ना ट्यूसडे है और कल जो है हम लोग शेगांव से आए थे सुबह। तो कल जो है ना बच्चों को मैंने स्कूल में नहीं भेजा था। पीकू का तो स्कूल था, टप्पू का सिर्फ जो है ना टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था। और आज 5 तारीख है, ट्यूसडे है, मतलब आज पीकू का जो है ना स्कूल में टीचर्स डे वाला सेलिब्रेशन होने वाला है। तो बस उसी के जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज पीकू को थोड़ा लेट जाना था स्कूल, इस वजह से मैं थोड़ा सो गई। लेट तो थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। और हर बार में देखो ऐसे सब गिर विर जाता है, सब मैस हो जाता है ना, मतलब समझ में नहीं आता है। और मेन चीज़ क्या है ना, रोज़ सुबह उठते से रोटी सब्जी बनाना है ये डिसाइडेड रहता है। तो रात ही में जो सब्जी मुझे बनानी है मैं वो कट करके पूरा रेडी करके रख देती हूँ। साथ ही में मुझे स्नैक्स वाले डब्बे में मतलब शॉर्ट ब्रेक के लिए क्या देना है मैं वो भी पहले ही डिसाइड करके रख देती हूँ। तो सुबह उठो, डायरेक्टली सब्जी में तड़का लगाओ, रोटियाँ बनाओ, मतलब वो सिंपल होता है। और मेन चीज़ जो है ना वो आदत पड़ गई है। बट अगर उसके अलावा कुछ आप टिफ़िन में वो भी सुबह में घाई के टाइम में अगर बनाने लगाओ और वो भी अगर कभी आप लेट उठ जाओ तो उस दिन जो है ना इतनी ज़्यादा बैंड बज जाती है ना, वही मेरे साथ आज हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या स्टार्ट करूँ। वैसे तो बेसन का चीला, आटे का चीला, रवे का चीला मेरे घर में हर बार बनता है नाश्ते में। आप लोगों ने देखा होगा मैं आटे का चीला बेसन से ज़्यादा जो है ना आटे का चीला ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो वही चीज़ है, बट आज इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ क्या करूँ। एकदम सिंपल तरीके से बनाया मैंने बेसन का चीला, बट इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। सारी सिंपल सी चीज़ें। तो वैसे तो मैं घर में जब बनाती हूँ सिर्फ टमाटर और प्याज ही डालती हूँ, बट आज स्कूल से जो चाट आया था मैं अभी आपको बताऊँगी। स्कूल से ये मेनू आया है उस हिसाब से बनाया है मैंने। तो उसमें वेजिटेबल बताया गया था तो मैंने कैप्सिकम और बीन्स ये दो चीज़ें ऐड कर दिए, साथ ही में प्याज और टमाटर तो है ही। और उसको जो है ना बैटर बना के मैंने एक साइड में रख दिया है। तब तक मैं स्नैक्स वाले डब्बे के लिए जो है ना जो लेके जाना है वो मैं पैक कर रही हूँ, तो बना रही हूँ सॉरी। तो उसके लिए चाहिए थे रोस्टेड पीनट, बट मेरे यहाँ पे रोस्टेड पीनट कोई नहीं खाता है, फ्राई किए हुए सबको पसंद है। तो मैंने क्या किया, तवे पे ही थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें उसको पीनट को जो है ना थोड़ा सा फ्राई टाइप कर लिया है, शैलो फ्राई कह सकते हो, उस तरीके से कर लिया ताकि खाने में टेस्ट भी लग जाए और ऑयली ऑयली ना हो जाए ज़्यादा। और बस अभी मैंने चीले उतारना भी स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से चीले उतार लूँगी। और देखिए इतने टेस्टी और इतने यमी बने थे, बट ज़्यादा चीले बने ही नहीं, सिर्फ 3 ही चीले बने उतने बैटर में। तो 2 मैंने पीकू के टिफ़िन में डाल दिया और 1 मैंने अपने लिए नाश्ते में ले लिया था। उसी के साथ स्नैक्स वाले ब्रेक में जो है ना फ्रूट सैलेड भेजना था, सॉरी वेजिटेबल सैलेड जो है ना वो भेजना था। तो उसके लिए मैंने खीरा लिया, प्याज लिया, टमाटर लिया, थोड़ी सी जो है ना उसमें दही डाली मैंने, पैकेट वाली दही जो है ना ऐसे खाने में मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं आजकल पैकेट वाली ही यूज़ कर रही हूँ दही। तो उसी में थोड़ा सा नमक, मिर्ची पाउडर और जो है ना आमचूर वाला पाउडर जो था ना काला नमक, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐड किया और बस उसको मिक्स किया। साथ ही में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली, वैसे पैकेट वाली दही ज़्यादा खट्टी नहीं होती, बट थोड़ी सी दही डाली अच्छे टेस्ट के लिए। और सबसे बेस्ट जो है ना यही बना हुआ था। इसके बाद में अभी नाश्ता निकाल रही हूँ मैं। तो नाश्ते में अभी देखो टिफ़िन में इतना सब कुछ हेल्दी जा रहा है तो बच्चे ऑब्वियसली पराठा खा के नहीं जाएंगे। तो मैंने क्या किया था ना, मेरे पास ये चॉकलेट वाले क्रीम बिस्किट रखे हुए थे तो मैंने इसको दूध के साथ में दे दिया था। मैं बच्चों को बिना खाए कभी घर से नहीं भेजती हूँ तो मैंने वही बिस्किट दे दिया कि बच्चे थोड़ा सा खा लेंगे। उसके बाद में मैं अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ऑलरेडी ये टिफ़िन का जो वीडियो है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आ चुका होगा। मैं टिफ़िन जो है ना टिफ़िन की पैकिंग वाले जो वीडियो है मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है वेजिटेबल सैलेड, उसी के साथ में बेसन का वेजिटेबल वाला चीला और थोड़े से फ्राई किए हुए पीनट, साथ ही में मिठाई। छुट्टी है टप्पू के स्कूल में, कल था टीचर्स डे सेलिब्रेशन 4 तारीख को और आज 5 सितंबर है। तो आज जो है ना टप्पू को छुट्टी है और पीकू का स्कूल था तो मैं उसका भी छोड़ के आ गई। आज थोड़ा लेट था स्कूल तो मतलब मैंने भी थोड़ा एक्स्ट्रा नींद ले ली आधा 1 घंटे की। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। आज थोड़ा सा टिफिन बनाने में हड़बड़ हो गई है क्योंकि पीकू के स्कूल में जो है ना कल से जो है न्यूट्रिशन वीक चालू हो गया है। तो स्कूल से जो है ना पूरे वीक का चार्ट आया है मंडे से सैटरडे तक का कि मंडे को ये बनाना है, लंच ब्रेक में, शॉर्ट ब्रेक में ये बनाना है। तो पूरे हफ्ते भर का जो है ना वो चार्ट आया है तो अभी उसको फॉलो करना है। तो अगर कोई चीज़ आपको बताता है और आप उस हिसाब से करते हो थोड़ा मुश्किल जाता है, आप अपने हिसाब से करते हो तो अच्छा होता है। वैसे तो मैं पीकू को रोज़ ही शॉर्ट ब्रेक और लंच ब्रेक के लिए टिफिन देती हूँ, बट आज जब थोड़ा सा ही बनाना था बट उनके डिमांड पर बनाया था ना मुझे कन्फ्यूज़ हुए जैसे लग रहा था, फिर भी मैंने प्रॉपर बना लिया है जो जो था आप लोगों ने देख लिया होगा मेनू।
तो जो जो था वो सब कुछ मैंने बना लिया, उसी में से एक ये है सैलेड, कर्ड सैलेड जो है ना, ये वाला बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी लग रहा है। साथ ही में वेजिटेबल वाला बेसन का चीला था, मैंने वो भी बना लिया था। मैंने एक बैट इसका बैटर अपने लिए बचा लिया था। मैं ये नाश्ता करूँगी और काम करूँगी, काम काफ़ी पड़े हुए हैं। दो बैग लेके गए थे, उससे तीन, एक मेरी स्लिंग बैग खाली हो गई है, एक बैग बिल्कुल स्कूल ले जाने के लिए मैंने खाली किया। देखो ये कपड़े का ढीले नहीं, पूरे धोने वाले हैं। एक बैग अभी भी फुल रखी हुई है, वो खाली करनी पड़ेगी धोने के लिए, बहुत काम है। साथ में पिकू का जल्दी लेने भी जाना है और मुझे एक जगह जाना है बैंक में, थोड़ा सा काम है मुझे, मतलब काम की लिस्ट बहुत बड़ी है, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं फटाफट से करूँगी सब कुछ। नाश्ता करते से ही जो है ना मैं आ चुकी हूँ किचन में फिर से जो है अपना काम करने के लिए। तो जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा मैं इसका टिफ़िन देती हूँ, तो मुझे वो टिफ़िन जो है ना 9:30 के पहले बना लेना पड़ता है। तो बस मैं वही बनाने आ गई थी, सब्जी चढ़ा दी मैंने, चावल चढ़ा दिया और उसके बाद में मैंने धो लिए थे कपड़े, क्योंकि कहीं आप बाहर से जब भी आते हो ना तो इतने सारे कपड़े निकलते हैं ना, बट जो है ना यहाँ पे सुखाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, वही एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि सुखाने के लिए यहाँ पे बहुत कम जगह है। बालकनी में सिर्फ एक रस्सी है और यहाँ पे ये एक रस्सी है, और कपड़े जो है ना बच्चे होने की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और अभी हम वहाँ से आए हैं तो हमारी वो दो बैग कपड़े यहाँ से गए थे तब धोने के लिए रख के गए थे हम लोग, मतलब नहा के गए थे सब लोग, तो वहाँ से आके नहाए हैं वो कपड़े, ऐसे करते करते इतना ढीक जम गया है ना मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं दिखाऊँगी आपको, बहुत कपड़े जम गए हैं बट धोते ही नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक बैच में करके धो रही हूँ। तो मैंने अभी एक बैच धो लिया, उसके बाद में जो है ना मैं आ गई थी घर में थोड़ा बहुत मैस उठाने। और टप्पू जब भी घर में अकेला रहता है ना, उसको स्कूल की छुट्टी हो या कुछ हो, वो अगर अकेला रहता है ना मेरे पीछे 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 घूमते रहता है, मैं काम करती हूँ वो मेरे पीछे पीछे घूमते रहता है। वो जो टप्पू जो है ना एकदम मम्मा बॉय है, उसको सिर्फ मम्मी चाहिए होती है पीछे पीछे घूमने के लिए, वो ज़्यादा कुछ शैतानियाँ नहीं करता है अकेला रहता है। तो कपड़े मैंने सुखा दिए, थोड़ा सा मैस हटा के मैंने घर में झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ मैं धोने के लिए। तो एक बैग जो है ना मैंने सुबह ही खाली कर ली थी, तो वही ये कपड़े हैं, इनको सब जो है ना उल्टे सीधे रखे हुए, तो इनको सीधे कर करके और चेक करके मैं डाल रही हूँ ताकि कुछ है तो नहीं, मतलब काम की चीज़ कभी रह जाती है ना गलती से, वही मैं देख रही हूँ। और सारे कपड़े जो है ना मैं सीधे कर करके निकालूंगी। और ये हमारा सेकंड बैग था जिसको आधा खाली हो गया था, आधा खाली होने का था, तो अभी बस मैं उसी को खाली कर रही हूँ, बाकी की मैं अभी खाली कर रही हूँ। एंड कपड़े ही कपड़े ऐसे लग रहे थे ना, हर जगह पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े हो गए हैं, और कहीं से आते तो बैग खाली करना भी ज़रूरी है। कपड़े दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए एक बैच मैं धो के आई हूँ, और ये देखो इतने ज़्यादा पूरा गट्ठा बन गया है कपड़ों का, बट ये अभी नहीं धोंगी क्योंकि अभी सुखाने के लिए जगह नहीं है। ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ धोते हो तो उसको डालने के लिए भी आपको जगह होनी चाहिए। तो अभी जो है ना मैंने बैग खाली किया, मेरा ट्राईपॉड नहीं हो रहा है बराबर, तो मैंने बैग खाली किया तो मुझे दिख गई ये बिल, और साथ में हम जो ले कर आए थे कि वहाँ पर खाने के लिए जो है ना इस तरीके के बिल निकालने पड़ते हैं। हाफ से भी हाफ रेट में खाना मिलता है वहाँ पे, और बहुत टेस्टी, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं बाहर कैसा लगता है घर का खाना है, बहुत अच्छा नाश्ता वाश्ता 15-15 रुपए में नाश्ता मिल जाता है, 10-10 रुपए में चाय कॉफ़ी दूध तक है बच्चों के लिए। तो ये वहीं के बहुत सारे बिल जमा हो गए, बहुत से बिल तो भैया ने ही निकाले थे, जो हमारे साथ भैया आए थे वो एक बार आते टाइम पे मैंने सिर्फ बिल निकाला था। तो ये है, उसी के साथ में जो है ना मैं लेके आई थी अपनी चाबी के लिए किचन, बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, चूड़िया ये वो मैंने आप लोगों को दिखाया ही होगा, बट चूड़िया इयर रिंग्स नेकलेस ये सारी चीज़ें मेरे पास बहुत सारी है, तो मुझे नहीं लेना था। और घर के लिए कोई शो की चीज़ लेके आओ तो वहाँ से लाते रहते टूट जाएगा, इस चक्कर में मैं नहीं लेके आई। तो मेरे गाड़ी की किचन जो है ना वो बहुत ही टाइम से ख़राब है, तो मुझे वो ख़रीदना था, तो मुझे ये दिख गया। डॉल वाला भी था बड़े बड़े, बट जो है ना डॉल वाले बच्चे तोड़ देते हैं, इस वजह से मैंने ये लाया, एक फंस गया है इसमें का। और हाँ तो ये वाला मैंने किचन लिया है, ये जो है ना ये जो कौड़ियाँ आती है ना, हो तो ये जो कौड़ियाँ आती है ना इनका वाला जो है ना मैंने लिया है 20 रुपीज में, काफी रेट बता रहे थे वो, बट एक बार बार्गेन कर दो तो बराबर देती, वहाँ पे बहुत बार्गेनिंग का चलता है, बहुत रेट बताते हैं डबल टिबल में। तो इस तरीके का मैंने ये जो लिया है बहुत अच्छा लग रहा है, छुन छुन बज रहा है ना। और टप्पू ने लिया है ये गन, मैंने दोनों बच्चों को पहले ही कहा था कि जो जो खाना है मुझे सब बता दो, मैं सब लेके दूंगी, बट टॉय सिर्फ एक मिलेगा, ये मैंने उनको कंपलसरी बोला था। तो टप्पू ने ये टॉय लिया, टप्पू गन लिया क्योंकि टप्पू को काफ़ी टाइम से चाहिए था, और ये बस्ता भी है तो टप्पू का ये गन है। और पीकू ने अपने लिए लिया है टॉय प्लस एक चीज़ है, वो मैं दिखाती हूँ,
तो टप्पू ने ये लिया है, ये एक पर्स है, क्योंकि काफी टाइम से मुझे बोल रही थी कि उसको पपेट चाहिए, तो ये उसको पर्स में ही मिल गया। तो ये सामने से जो है ना, ये इस तरीके से है, इसके अंदर ये स्टार्स है जो कि यहाँ से वहां, वहां से वहां, इस तरीके से जाते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये सिर्फ 80 रुपीज में, ये 120 बोला था उन्होंने, 80 में दे दिया है लास्ट। तो इस तरीके की है, और पीछे में ये पपेट है। आप अपन हाँ हम लोग जो है ना, इस तरीके से इसको ये पपेट खेल भी सकते हैं, टपो ट्रैपोट पड़े, तो ऐसे ऐसे इसको खेल सकते हैं। और ये एज अ स्लिंग बैग भी यूज किया जा सकता है। जब से लिया तब से आते तक जो है ना, वो जो भी खाती थी वो इसमें डाल डाल के खा रही थी। हाँ, 4 था। तो इस तरीके का जो है ना, इसमें एक कंपार्टमेंट है, और बहुत ही अच्छी सी, और बहुत जो है ना, मतलब अच्छे क्वालिटी की ये एक बैग है। बस इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लिया वहां से है। और बस वही मैंने फिर बाकी की खाने पीने की चीजें ली, जैसे पेरू हो गई, बिस्किट, चिप्स बच्चों के लिए, बहुत सारे मिठाई हो गए 2 डब्बे, और भी कुछ लेते खाते रह रहे थे हम लोग। पर फालतू की चीज़ों में मुझे ये नहीं, क्योंकि लाने में भी दिक्कत होता है, और टूट फूट हो जाए तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस वजह से। और अभी चलिए चल के मैं रोटियां बना ली थी, क्योंकि मुझे मेस वाला जो टिफिन है वो देने जाना है।